गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके लास्ट क्लास रो कंटिन्यूएशन रे ए स्लाइड्स जा कंटिन्यू करिया। लास्ट क्लास रे तमो पचार थिली जे कैपेसिटेंस टा जिंस कैपेसिटर टा जिंस ना कोडा पचार थिली माने कैपेसिटर आ कैपेसिटेंस भितरु कोडा जिंस आ कोडा वैल्यू तमे कहितिलो जे कैपेसिटर टा होची जिंस कैपेसिटेंस टा होची तारो गोटे प्रॉपर्टी रो वैल्यू। ओके सो कैपेसिटेंस कौन तार दिन डेफिनेशन आम देखले एबे से कैपेसिटर रो विषय डिटेल्स पढ़े माने कैपेसिटर टा किमिति बनिछ बेसिकली सेटा पढ़े। बहुत टाइप रो कैपेसिटर अछि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अछि जोटा तमरो फिगर रो लेफ्ट साइड अछि सेटा पैरेलल प्लेट जगह रहिछ। ओके राइट साइड रो जोटा अछि सेटा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर रहिछ केतरा पेपर कैपेसिटर रहिछ। आम सिलेबस रे वी हैव ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके सो आम कैपेसिटर कौन देखिबा कैपेसिटर को प्रिंसिपल ऊपर काम करछि देखिबा तापरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रो डिटेल्स देखिबा जेतलो एयर मीडियम थिबो एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेतलो डाइलेक्ट्रिक मीडियम थिबो आउ तार प्रॉपर्टीज के आमे फर्स्ट रो पढ़थिले जे कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी એટલે कैपेसिटर केते एनर्जी स्टोर करछ ए सब जिंस देखिबा स्टार्ट हबो। ओके लेट्स बिगिन विथ द क्लास हला। So a capacitor is an arrangement. Arrangement only kalle. Sajay. Ha. Of two conducting plates. Dita conducting plate. Imite. Apo data out a plate, data out a plate. Two conducting plates separated by a non-conducting medium. Very very important this one. Separated by a नॉन कंडक्टिंग मीडियम तमने दीटा कंडक्टर आ तांका भीतर रो गैप किछु गट रहबो से गैप भीतर गोटे नॉन कंडक्टिंग मीडियम रहबो और इन शॉर्ट गोटे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम दे रहबो किछु किछु नै बोले एटा कोन छै एयर अछि ना। यस यस सर। ओके यस सर। भाबो मै पेपर ये रख देले बोले कहले डाइइलेक्ट्रिक टा कोडा हैला पेपर टा हैला ना पेपर प्लास्टर यस सर। यस सर। तो दिस इज अ कैपेसिटर यस सर फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अदर देन एयर एटा होची कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर एटा होची कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक माने किछि पार्ट डाइलेक्ट्रिक अछि किछि पार्ट एयर अछि हेले आमे पूरा प्योर एयर पई बाहर करिवा तापरे किछि पार्ट डाइलेक्ट्रिक अछि बोली तापरे बाहर करिया ओटे फार्मूला तापरे स्टार स्पेशल केस रे कंप्लीटली फिल्ड बोली देखिया बुझिपारले कदर Yes. ता पूर्वरु कैपेसिटर कौन दीटा मेटल प्लेट दीटा मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय नॉन मेटलिक माने नॉन कंडक्टिंग मीडियम और डाइलेक्ट्रिक बुझ पारले एयर इज आल्सो ए डाइलेक्ट्रिक। ओके यस सर दैट इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस आइदर सेटा को हमें चार्ज बोली धरिबा और वी कैन टेल इट एज एनर्जी। ओके ओके द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी जर माइक साउंड अच्छे म्यूट करी बस। ओके तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी ए फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख लेने ठीक अच्छे तुम एबे फिगर ऊपर जे कंसंट्रेट करबो देखो ए जो पर्पल कलर ए दीटा होची कोनो मेटल प्लेट दीटा ठीक अछि ए जो येलो कलर ता तमे देखु छो ए येलो कलर ता कोनो डाइइलेक्ट्रिक एयर मीडियम डा भी डाइइलेक्ट्रिक। ओके जार डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रा वैल्यू केते के फॉर एयर केते 1 कांस्टेंट एयर केते 1 ना 1 वाटर पे केते 81 और 80 18 कंडक्टर पे कहते हैं इनफिनिट इनफिनिट वैक्स पे 2 माइका पे 6 ओके चलो हेले द कंडक्टिव प्लेट दिटा रहला दी साइड पर्पल कलर ता मझरे डाइइलेक्ट्रिक एट द लीड बाहर छी तुम देखो कैपेसिटर रो दीटा लेखे एटा बाड़ी बाहर छी ना यस बुझ पाला लीड माने कोनो एलईडी देखिछ दीटा बाड़ी बाहर था उची
ସେଇଟା ଆମେ ସପ୍ଲାଇ ଦେବା ନା, ସେଇଟା ଆମେ କନେକ୍ସନଟା କରିବା। ଓକେ, ସୋ ଏ ଲିଡ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ, କନେକ୍ସନ କରାହବ। କନେକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ୟେସ୍ ସୋ କ୍ୟାପାସିଟର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ, ପ୍ଲେଟ ଦୁଇଟା ଏମିତି ରଖାହେଇଛି ନା, ତ ଏଇଟା ଏକା ସିମ୍ବଲ। ହେଲେ ସିମ୍ବଲଟା କେମିତି କରାହେଲା ଦେଖ, ଆମେ ଏତିକିରୁ ଥିଲେ ନା କ୍ଲାସରେ, ଇଏ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତମେ କରିବନି କହିଦେଉଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ତାର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି, ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ପ୍ଲସ ଛୋଟଟା ମାଇନସ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ୟାପାସିଟରରେ କ'ଣ ରେ ଦିଟି ଯାକ ବାଡ଼ିର ଲେନ୍ଥ ସମାନ, ଲେନ୍ଥ ସେମ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ଡିଫରେନ୍ସଟା। ୟେସ୍, ତମେ ସ୍ପିଡ୍ରେ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ, ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ୟେସ୍ ଓକେ। ଦିଟା ପଜିଟିଭ, ଦିଟା ପଜିଟିଭ କାହିଁକି, ଗୋଟେ ପଟେ ପଜିଟିଭ ଦିଆ ହବ ଗୋଟେ ପଟେ ନେଗେଟିଭ ଦିଆ ହବ, ଦିଟା ପଜିଟିଭ କାହିଁକି ଦିଆ ହବ। ତୋର କହିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା, ପ୍ଲଗ ରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଦିଟା କଣ ଅଛି, ତୁ କହୁ ସାର ଦିଟି ଯାକ ବାହାରେ ଗୋଟେ କଣରେ ପଶଉଛେ। ହେଲେ ଦିଟା ଅଛି, ଦିଟାରେ ମିଟର ପକେଇଲେ 220 ଭୋଲ୍ଟ ଆସିବ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆରେ ଗୋଟାକରେ ତ ପୋଟେନ୍ସିଆଲଟା ସେମ୍ ଏକା ରହିଲା ନା ଦିଟା ତାର ପାଇଁ, କରେଣ୍ଟ ସର୍ଟ ହବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲା। ক্যাপাসিটর ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই এই সিম্বলটা। ওকে, ঠিক আছে, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নোট দ্যাট দি ভ্যালু অফ ক্যাপাসিট্যান্স সি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর ডজ নট ডিপেন্ড অপন দি ভ্যালু অফ কিউ কিউ এন্ড বি, ইট ইজ ইটস ভ্যালু ইজ কনস্ট্যান্ট ফর এ পার্টিকুলার ক্যাপাসিটর। আগুক আমি দেখবা যে আমার কোন পাঠের আছে, প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর আছে, তার পাই ফর্মুলা আমি দেখিবা, সি ইজ ইকুয়াল টু এপসাইলন জিরো এ বাই ডি। হ্যাঁ, হলে ক্যাপাসিটর তুমি জেনারেলি কোটি দেখিলে হলে ফার্স্ট টাইম যেত পচারি তুমি কহিল ফ্যান দেখিলে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই পুট আপ এ পিকচর। ঠিক আছে, ওকে। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟାପାସିଟର, ସେଇଟା ଏବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତମେ ବୁଝିବ ନ ବୁଝିବ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି, ବଟ୍ ଚାପ୍ଟର ସରିବା ଭିତରେ ତମେ ଡେଫିନେଟଲି ବୁଝିପାରିବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟାପାସିଟର, କ୍ୟାପାସିଟର କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ କାମ କରୁଛି। ଏବେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଦି କ୍ୟାପାସିଟର ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେନ୍ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଟ୍ ଲୋ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ଯଦି ଏଇଟା ଅର୍ଥିଂ କରାହେଇଛି ବୋଲେ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେରେ ଜିରୋ, ଜିରୋ ଲୋ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ନିୟର୍ ଏ ଚାର୍ଜ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଦି କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚାର୍ଜ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ରହିପାରିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି, ତମେ ଦେଖ ଆମକୁ କ'ଣ ନେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବାର ଅଛି ନା, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ବାଲା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇଗଲି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ଏବେ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ରଖିଲି,
ସେ ପ୍ଲେଟରେ ଚାର୍ଜ କିଛି ନଥିଲା ଇନିସିଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି କାର ମ୍ୟୁଟ୍ କର ଓକେ ସୋ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପ୍ଲେଟଟା ଆଣିଲି ଏ ପ୍ଲେଟ ଉପରେ କିଛି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ଆଣିକି ରଖିଲି ସେଇଟା ଏବେ କ'ଣ ହବ ମତେ କହିଲ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇକିରି ଏପଟଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ ମାଇନସ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ ହବ ଏପଟଟା କ'ଣ ହବ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ ହବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ୟାପାସିଟି ବଢିବା କଥା ଉଠିନି କଥା ହେଲା ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଥିଂ କରିଦେବି ଏପଟଟାକୁ କ'ଣ କରିଦେବି ଅର୍ଥିଂ କରିଦେବି ହେଲେ ଏପଟର ପୋଟେନସିଆଲ କେତେ ହେଲା ଭି ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଭି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପଜିଟିଭ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯାହା ହବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ପ୍ଲେଟ କୁ ଫ୍ଲୋ ହବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେଟ କୁ ଫ୍ଲୋ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ହଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଯିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଏ ଜାଗୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥିଂ କଲା ଆଉ କଣ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନା ଦି ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବଢିଗଲା ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କୋଉଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେଟ ଭିତରେ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବଢିଗଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ସେ ଷ୍ଟୋର କରିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକା ଏକା ଷ୍ଟୋର କରିବ ନା ଯଦି ଭି ବଢିଲା ତ କ୍ୟୁ ବି ଡେଫିନେଟଲି ତା ଅନୁସାରେ ବଢିଯିବ ନା ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟାପାସିଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋ ପୋଟେନସିଆଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅର୍ଥିଂ କରିଦେଲେ ବୋଲେ ଲୋ ପୋଟେନସିଆଲ ଜିରୋ ପୋଟେନସିଆଲ ହେଇଗଲା ଇଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ନିୟର ଏ ଚାର୍ଜ କଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ ହୁଏ କଣ ହୁଏ ଏନର୍ଜିଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ତମେ କହିବ ଏଇଠି ଇନ୍ ଦି ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମିଡିୟମ ବିଟୁଇନ୍ ଦି ପ୍ଲେଟ୍ସ ହେଲା ଏନର୍ଜିଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ପ୍ଲେଟ ଦିଟା ମଝିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସେଇଠେ ଅର୍ ସେଇ ମଝିରେ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଥାଉଛି ସେଇଠେ ସେଭ୍ ହଉଛି ବୋଲି ଆଉ ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ବୋଲି ଲେଖିବ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ଡେରିଭେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓକେ ହେଡିଂ ଦେଖ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ସ୍ପେରିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ର କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ ଓକେ ଦେଖ ସିମ୍ପଲ କନସିଡର ଆନ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ସ୍ପେରିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାର ରେଡିୟସ କେତେ ଆର୍ ରେଡିୟସ କେତେ ନେଇଛି ଆର୍ ତା ଉପରେ କେତେ ଚାର୍ଜ ଦିଆହେଲା ଲେଟ୍ ଏ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ୟୁ ବି ପ୍ଲେସ୍ ଆଟ୍ ଦି ସେଣ୍ଟର ଠିକ ଅଛି ଦି ପୋଟେନସିଆଲ ଆଟ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିୟର ଇଜ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଭି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେ କ୍ୟୁ ବାଇ ଆର୍ ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ୟୁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ୟୁ କରିଦେଲି ହେଲା ଅର୍ ରିଭର୍ସରେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ମଲ କ୍ୟୁ କରିଦେଲେ କାମ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ତ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ମତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ସ୍ପିୟର ର ସର୍ଫେସ ଉପରେ ପୋଟେନସିଆଲ ଆଉ ସର୍ଫେସ ଭିତରେ ପୋଟେନସିଆଲ ଭିତରେ ରିଲେସନ କ'ଣ ଉପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଟେନସିଆଲ ସେମ୍ ରହିବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ଡିଭି ବାଇ ଡିଆର ଟା ହେଇଗଲା କଣ ଜିରୋ ତା ମାନେ ଏଇ ସ୍ପିୟର ଭିତରେ
ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଯାହା ଏଇ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଯାହା ଏଇ ସ୍ପିୟର ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଏଇ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ତାହା ନା ସାର୍ କେତେ ହବ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଦି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆଟ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ କ୍ୟୁ ବାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଓକେ ସୋ ଏଇ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଭିତରେ ବି ସେତିକିକା ରହିଯିବ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ସେତିକିକା ରହୁଛି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି ତ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ବାଟ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦି କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାପାସିଟର ସ୍ପେରିକାଲ କ୍ୟାପାସିଟର ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା କ୍ୟୁ ବାଇ ଭି ଓକେ କ୍ୟୁ କୁ କ୍ୟୁ ପଡିଲା ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭି ବଦଳରେ ଏଇ ଯୋ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମେ ଲେଖିଛେ ଏଇଠେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ପଡିଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏଇଠେ କ୍ୟୁ କୁ ଏଇଟା କ୍ୟୁ କଣ ହେଲା କ୍ୟାନସଲ ଆଉଟ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଫୋର ପାଇ ଆଉ ଏପସାଇଲନ୍ ଏଇ ତିନିଟି ଯାକ କଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଫୋର ଭାଲ୍ୟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇର 22/7 ଅର 3.14 ଆଉ ଏପସାଇଲନ୍ ଜିରୋ ମାନେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ପରମିଟିଭିଟି ଏୟାର ମିଡିୟମ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ହେଲା ତ ସି ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ କ'ଣ ଆସିଲା ଆର୍ ତାମାନେ ରେଡିୟସ ଯେତେ ବଡ଼ ସେତେ ସେ ଅଧିକା ତାର କ୍ୟାପାସିଟି ହବ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ କହ ଅଲଗା ମିଡିୟମ ଯଦି ନିଆ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଏପସାଇଲନ୍ ଜିରୋ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା କ'ଣ ଇଆର ଏପସାଇଲନ୍ ଆର୍ ଇଆର୍ ନାହିଁ ଏପସାଇଲନ୍ ଏପସାଇଲନ୍ ଆର୍ ମିଡିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ର କଥା ଯଦି ଅଛି ଏପସାଇଲନ୍ ଜିରୋ ପାଖରେ ଏପସାଇଲନ୍ ଆର୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି କୋଉଠି ଥାଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ହେଲେ ଏପସାଇଲନ୍ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଏପସାଇଲନ୍ ଆର୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମକୁ ଯିବ ହେରି ମ୍ୟୁ ଜିରୋ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଟା ମ୍ୟୁ ଆର୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ଯଦି ଏଠି ସ୍ପିୟର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ନିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ପାଣିରେ ଭରି କରି ତ ତ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପକେଇଥାନ୍ତା ୱାଟର ର ଆଉ ବେଲୁନ ତ ନେଇ ପାରିବୁନି ମେଟାଲ ସ୍ପିୟର ବୋଲି ଭାବେ ୱାଟର ପାଇଁ ଏପସାଇଲନ୍ ଆର୍ ପଡିବ ତ ଏଇଟି ପଡିବ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୋ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସି କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ସି ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଦି ରେଡିୟସ୍ ଆର୍ ଆର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ପାଠରେ ଯୋଉ କ୍ୟାପାସିଟରଟା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ପାରାଲାଲ ପ୍ଲେଟ କ୍ୟାପାସିଟର ଓକେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ କ୍ୟାପାସିଟର ତମର ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ନା ବୁଝିଲନି କେମିତି କଣ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପାଣି ବଟଲ 10 ଟଙ୍କିଆ ପାଣି ବଟଲ ଆଉ 20 ଟଙ୍କିଆ ପାଣି ବଟଲ ତମେ ପାଣି ବଟଲଟା କାଟିଦିଅ ହେଲା ପୁରା ସିଲିଣ୍ଡର ଆସିଲା ପରେ ବଡ଼ 20 ଟଙ୍କିଆ ପାଣି ବଟଲର ସିଲିଣ୍ଡରଟା ଭିତରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ପାଣି ବଟଲର ସିଲିଣ୍ଡରଟା ରଖିବ ହବ ନା ହବନି ହେଲେ ଭାବ ସେଟା ମେଟାଲ ପ୍ଲେଟ ଦିଟା ଭାବ ସେଟା ମେଟାଲ ପ୍ଲେଟ ହେଲେ ତା ମଝିରେ ଏୟାର ମିଡିୟମ ରହିଗଲା ତ ଗୋଟା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ତାର ବାନ୍ଧିକି କାଟିଦେବ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ତାର ବାନ୍ଧିକି କାଟିଦେବ ହେଇଗଲା ତମର କ୍ୟାପାସିଟର ଏଇଟା କୋଉଟା ହେଇଗଲା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ କ୍ୟାପାସିଟର ମଝିରେ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମିଡିୟମ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ସେଟା ଅଲରେଡି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପେନ୍ ନା ଆଉ ତାର ରିଫିଲ୍ଡା ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ପେରିକାଲ କ୍ୟାପାସିଟର ବି ହେଇପାରିବ ବଡ ସ୍ପିୟର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପିୟର ହେଲା ଆମର ପାଠରେ ଅଛି ପାରାଲାଲ ପ୍ଲେଟ ମାନେ ପ୍ଲେଟ ଦିଟା ପାରାଲାଲ ରହିବେ ଓକେ ଏ ପାରାଲାଲ ପ୍ଲେଟ କ୍ୟାପାସିଟର କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଟୁ ପାରାଲାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ପ୍ଲେଟ୍ସ ସେପାରେଟେଡ୍ ବାଇ ଏ ସ୍ମଲ ସ୍ମଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତମେ ରିପିଟ କରନି ମୋ ପଛରେ ତ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ ମଝିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ରହିବ ସେ ଗ୍ୟାପଟା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ ଅପ୍ ବାଇ କ'ଣ ଗ୍ୟାପଟା ଫିଲ୍ଡ ଅପ୍ ବାଇ କ'ଣ
डाइलेक्ट्रिक एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यस और नो यस हेलो जदि एटा को प्लस चार्ज दिया है छि प्लस रो फील्ड ता कोन हो बाहरिबो आ सेकंड प्लेट ता को जदि माइनस चार्ज दिया हबो तो ऑबवियसली से कोन हबो तादर फील्ड लाइन सरीबो सो इन बिटवीन द कैपेसिटर फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव नेगेटिव प्लेट अच्छा ए फील्ड मते को यूनिफॉर्म हबो परे त मु लागु छि ना नॉन यूनिफॉर्म हबो परे त मु लागु छि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अच्छे तो जो टॉर्क कथा कहते मन अच्छे ना टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मन अच्छे इलेक्ट्रिक फील्ड पटरे लास्ट टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा यस सर से चैप्टर रे कथा एई चैप्टर आमे कहले डाइइलेक्ट्रिक रो पोलर मॉलिक्यूल जाको इलेक्ट्रिक फील्ड रे सजे हे कि रहइबो सकाळ पढ़तिले यस सर काहेंगे तापर टॉर्क पड़िबो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रे बुझैतिले यस सर यस सर यस सर यस तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ता किमिते सेट दिया होतला बुझि परलो ना इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर रे यस सर ता प्लेट भितरे डाइपोल ता रखिले हेले से कोन होबो एपडे एफ प्लस पड़िगरे से कोन होबो अलाइनमेंट हे कि रहइबो सेटा कोन डा डाइपोल डा डाइपोल डा अलाइनमेंट हले सेटा को हम कोन कोचे पोलराइजेशन हला बोली कोचे ठीक अछि यस सर लिंक हला बट जगो ठीक अछि यस सर हला नि एइट तमे इमे देखो ना एइट गोटे मु प्लस चार्ज रखिबे ए सॉरी एइट हमें डाइपोल ये डाइइलेक्ट्रिक रे कोन नै थिले एइट हम माइनस चार्ज रखिबे एइट हम प्लस चार्ज रखिबे हबो नि यस सर एइ पूरा सेट टा डाइपोल हबो ना नै यस सर बुझ पाला ना कथरा आ ऊपर एपडे एफ प्लस पडिवो आ ऊपर एपडे माइनस एपडे माइनस पडला परे सेमि सजे हे के रहिजो सजे हे रहिजो एपटा प्लस हे जो एपटा माइनस हे जो ठीक अछि ना यस सर प्लस प्लेट पाखरे माइनस टा रहिवो आ माइनस प्लेट पाखरे प्लस टा रहिवो ठीक अछि यस सर पाला कथरा किन होत सेटिंग डा यस सर जेबा नेक्स्ट को तमो गोटे कहितली C is equal to epsilon 0 A by D गोटे formula अच्छे parallel plate capacitor पाएं yes sir yes sir ताको हमें derive करिया का पाएं पूरा completely air थिबो completely dielectric थिबो आवो partially थिबो dielectric है ना नहीं yes sir किसी पार dielectric किसी पार air तो हमें दी टा derive करिया गोटे completely air थिला derive करिया आवो गोटे partially थिबो इमे थिबो बुझल कथा हेलो जदि प्लेट भितर गैप टा अछि डी डी प्लेट भितर गैप टा कोन डी देखो पिक्चर भी अछि स्लाइड रे डी हेले स्मॉल माने सम थिकनेस टी रो डाइइलेक्ट्रिक नबा हेला हेले जतला कंप्लीटली फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक करिया हम कोन करिया टी इज इक्वल टू डी कर दो हबन हबन यस सर डी डा कोन कहलो बोल आउ तरह बोल यस डीटा प्लेट भितर रो गैप होचि केते स्मॉल डी डायग्राम देखो यस सर यस सर एटा कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर अछि यस सर एटा एबे पार्शियली फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक हला एटा यस सर ए डी स्पेस रे टी थिकनेस रो गोटे डाइइलेक्ट्रिक रहिला यस सर आउ एतिक पार्ट केते रहिला डी माइनस टी एतिक एयर रहिला यस सर जतो हमें स्पेशल केस करिवा जे कंप्लीटली फील्ड विद डाइइलेक्ट्रिक डी इज इक्वल टू टी हबो यस सर तेरा स्पेशल केस रे पके दवा यस सर पार्शियली फील्ड विद डाइइलेक्ट्रिक पे डिराइव करिवा तापर स्पेशल केस रे डी इज इक्वल टू टी पके देले सेटा को केस टा हिजो कैपेसिटर कंप्लीटली फील्ड विद डाइइलेक्ट्रिक बुझ परले कथा यस सर यस सर हले एई सब डेरिवेशन करिवा पई माने एटा एटा होची जोडा अबे अच्छा तमा स्क्रीन नंबर दैट इज 2 और 3 मार्क पई जीवो नेक्स्ट जोडा हबो
ତ ମେଟେରିଆଲରେ ଫର୍ଟିନ୍ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ତମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ମେଟେରିଆଲରେ କେତେ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସୋ 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାନେ ୱିଥ୍ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡିୟମ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ହେଡିଂ ଦେଖ, ୱିଥ୍ ଏୟାର ମିଡିୟମ ଅଛି ନା, ୱିଥ୍ ଏୟାର ମିଡିୟମ ଏଇଟା 2 or 3 ମାର୍କ ଯିବ। ୱିଥ୍ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡିୟମ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା 7 ମାର୍କ୍ସ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅର୍ 5 ମାର୍କ୍ସ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବ। ହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଡେରିଭେସନର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ତମେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାକ ଫଲୋ କରିବ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ବାହାରିବ। ସୋ ବିଫୋର୍ ବିଗିନିଂ ଦି ଡେରିଭେସନ ମୁଁ ତମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାକ ଲେଖେଇବି, ଲେଖିଦିଅ। ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ କ'ଣ, ଫାଇଣ୍ଡ କ୍ୟୁ, କ୍ୟୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଲେଖିଦିଅ, ସିଗ୍ମା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ସିଗ୍ମା ଏ। ସାର୍ ସିଗ୍ମା କାହିଁକି ନେଲେ, ଆରେ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ଲେଟ୍ର କ'ଣ ହବ, ସର୍ଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ, ଫାଇଣ୍ଡ ଭି, ଫାଇଣ୍ଡ ଭି ତ ଦେଖିଦ, ନାଇଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଇ, ଇ ହବ ନହେଲେ ଭି ହବ, ଇ ଇ ହବ, ହଁ ଇ ନେଲେ ହେଇଯିବ, ଫାଇଣ୍ଡ ଇ, କରେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅ ସେଇଟା, ଫାଇଣ୍ଡ ଇ ହେଲା। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ବିଗିନିଂରେ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିଗ୍ମା ବାଇ ଏପ୍ସାଇଲନ୍ ଜିରୋ, ମାନେ ଅଛି ନା ଏପ୍ସାଇଲନ୍ ଜିରୋ, ଭେକ୍ଟର ପକେଇଥିଲେ ଏନ୍ କ୍ୟାପ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ହେଲା। ନାଉ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀ, ଫାଇଣ୍ଡ ଭି, ହେଲେ ଭି କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଆଉ ଭି ଭିତରେ ରିଲେସନ ମତେ କୁହ ସାର, ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଭି, ଇ ଆଉ ଭି ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କୁହ, ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଭି ବାଇ ଡି ଆର, ହଁ ଅର୍ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଡି, ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଡି, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଡି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ, ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଫୋର୍, ୟୁଜ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଭି ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଭ। ଚାରିଟା ଷ୍ଟେପ୍, ଭେରି ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟେପ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, କ୍ୟୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, କ୍ୟୁ, ତାପରେ ବାହାର କରିବା ଇ, ତାପରେ ବାହାର କରିବା ଭି, ତାପରେ ବାହାର କରିବା ସି, କ୍ୟୁ ବାଇ ଭି, ଓକେ। ଏଇଟାରେ ओके क्यूटा एटा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए पकेवा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो पकेवा, एटा भी इज इक्वल टू ईडी पकेवा, आ सी इज इक्वल टू क्यू बाय भी, क्यू बाय भी, वेरी वेरी सिंपल फोर स्टेप, चारटा स्टेप रे करबो बढ़िया रे डेरिवेशन सर, ए लॉन्ग क्वेश्चन भी डेरिवेशन स्टेप सेम हैगा, सेते पे लिखैली ହେଲା ସାର, ଗୋଟେ ଆଗା ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଗୋଟେ ଆଗା, ଖାଲି କ'ଣ ହବ, ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଏୟାର ବଦଳରେ ପାର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ଡ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ କଥାଟା କେମିତି ହବ, ଏୟାର ହେଲା, ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଆଇଲା, ସେଟା ତୁ ପୁରା ଖାଇଲୁ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏୟାର, ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ତୋର ଓଜନ କେତେ ବଢିଲା ବୋଲି କାଲକୁଲେଟ କରାହବ, ସେ ଲଡ଼ୁର ଓଜନ ବାସ ବାସ, ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡି ପକେଇଦେଲୁ, ଏବେ ସେଇଥିରୁ କିଛିଟା ତୁ ଖାଇଲୁ ଆଉ ବଳକାଟା ମୁଁ ଖାଇଲି, ତୁ କେତେ ଖାଇଲୁ, ଟି ଖାଇଲୁ, ମୁଁ କେତେ ଖାଇଲି, ଡି ଖାଇଲି, ଟୋଟାଲ ଡି ଥିଲା ନା। ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କାଲକୁଲେଟ କରାହବ, ମୋ ପାଇଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅର୍ ମାସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କାଲକୁଲେଟ କରାହବ, ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା।
सेतिक तो करिया कथा हेले टोटल मास केते हला लडुर मास इक्वल टू तोर मास तोर मास प्लस मोर मास जो चेंज हला जति ठीक अछि ना यस सर यस सर सेतिक खाली ऐड करियार अछि सेकंड टारे सेतिक खाली कोन करियार अछि ऐड करियार अछि अलग किछ डिफरेंस नै बुझि परले यस सर हला फर्स्ट मु करबी सेकंड आज तुम पे छाड़ी कोटा विथ डाइलेक्ट्रिक हिंट देके तुमको छाड़ी ओके सो हम स्टार्ट करिवा डेरिवेशन समस्त डेरिवेशन डा करिवे मो सहित नले बुझ परिवने इंक्लूडिंग द डायग्राम करिवे ओके स्टार्ट कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ द डिस्टेंस डी बिटवीन द प्लेट्स एंड एरिया हो चुका थे ए ठीक अच्छे साउंड साउंड कंट्रोल डी डा प्लेट भीतर डिस्टेंस कितना है ला डी डी ओके आउ प्रति प्लेट रो एरिया कितना है ला ए ए है ला लेट एपट्टा हो ची प्लेट एक्स एपट्टा हो ची प्लेट वाई ओके लेट प्लेट एक्स बी गिवन प्लस क्यू चार्ज दिया ला ठीक अच्छी तम डायग्राम में स्मॉल क्यू कर दे ले चली वाइट है ठीक अच्छी एंड दी प्लेट वाई बी गिवन कौन माइनस क्यू चार्ज ठीक अच्छी हेले एक्स प्लेट रो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कत हबो प्लस क्यू बाय ए आउ वाई प्लेट रो कौन हबो माइनस क्यू बाय माइनस क्यू तो दी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट एक्स रो कौन हबो प्लस सिग्मा हबो आ प्लेट वाई रो कौन हबो माइनस सिग्मा हबो और इन शॉर्ट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए और क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इक्वेशन नंबर 1 समस्त लिखिले खाली मैथमेटिकल फार्मूला जगह लिखो थ्योरी टा पर लिखि प्रैक्टिस करू हम को ए चारटा स्टेप धरियार अछि बुझि परल ना नै ए चारटा स्टेप धरले तब इंग्लिश टा हम लिख परिया इंग्लिश टा कोन अछि ओडिया रे हमें दीडा प्लेट नेले गोटे एक्स गोटे वाई ता कोन लिखा हला ए पैराग्राफ टा हन नै हला फर्स्ट को नाम देले एक्स सेकंड टा नाम देले वाई एक्स को चार्ज देले प्लस क्यू वाई को चार्ज देले माइनस क्यू एटा ए दी लाइन हे गला एटा प्लस क्यू चार्ज दे छि आर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा एटा हे लाई दीरा लाइन बुझि परले कथा रे यस सर यस एटा स्टेप 1 सरला स्टेप 1 पे इक्वेशन 1 ओके यस सर यस सर गोटे कंडक्टर बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड केते हम जान जे सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 बाय एप्सिलॉन 0 ई चैप्टर रो स्टार्टिंग रे हम डेरिवेशन देखतिले सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 बाहर तिला प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर ठीक अछि यस सर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट एक्स एंड वाई इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 ठीक अछि यस सर यस सर एडा स्टेप 2 सरला स्टेप 2 सरला यस सर ना स्टेप 3 कौन बाहर करबा स्टेप 3 कौन बाहर करबा भी भी फार्मूला कौन ईडी ना यस सर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म सो द पोटेंशियल डिफरेंस देखो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीआर करथले जदी वेरिएबल फील्ड होतला ना जेतु कि फील्ड ता यूनिफॉर्म अछि हमे फार्मूला कौन यूज करले ई इज इक्वल टू वी बाय डी वी बाय डी और वी इज इक्वल टू ईडी यस सर ठीक अछि ठीक अछि एबे एई ई बदल रे मु कोन पकेले सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 पकेले एटु ए सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 डाइट पडला ना यस सर आसला एटिक ठीक अछि सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन एई से एई जो वैल्यू टा एटिक आसी पडला ना यस सर यस सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 ठीक अछि ठीक अछि स्टेप 4 को स्टेप एटा है इक्वेशन 3 स्टेप 4 टा कोन आंसर स्टेप 4 टा आंसर देखो सी नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी समस्त लिखले इक्वल टू यस सर लिखले क्यू बदल रे इक्वेशन 1 रूप को कते यस सर सिग्मा ए पढला सिग्मा ए यस सर इक्वेशन 3 रूप पढला कोन सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन 0 एसे सिग्मा को सिग्मा कोन हला कटला यस सर एप्सिलॉन 0 डा ऊपर को चढ़ी गला एप्सिलॉन 0 बाय डी
तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाय d एटा हेगला तमर आंसर ठीक अछि सर एटा फाइनल इक्वेशन फाइनल इक्वेशन सरला फाइनल हां फाइनल इक्वेशन अच्छा अरे तो 15 मिनट टाइम अछि ना सेकंड डेरिवेशन ता तमे करियो ना ओके यस सर सेकंड डेरिवेशन ता तमे करियो ना सेटा मीडियम रे हां मीडियम नै करियो मु तमे डायग्राम फायग्राम सब सेट करिय बुझा देबे तमे करियो एटा सर जाबा को सो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a बाय d एठे क्लियरली देखिले सी इज कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ठीक अछि सेते में सेटा ब्लू रे हाईलाइट कर रखाइ छी ठीक अछि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ठीक अछि यस सर आउ कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ठीक अछि समस्त बुझि परले तीनटा जिनस पे डिपेंड करिवो दीटा जिनस बे सिखिले आ गोटे नेक्स्ट डेरिवेशन पर जानिबा काहे कि एठो गोटे कोन मल्टीप्लाई हबो गोटे के मल्टीप्लाई हबो तलो कंप्लीटली फिल हबो ना ने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट खाली कांस्टेंट ने केटा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एटा मल्टीप्लाई हबो एबे दीटा हला थर्डटा ई डेरिवेशन पर बुझि जिवा ठीक अछि यस यस सर सो हमर हेडिंग कोन थिला कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम ठीक अछि यस सर एबे नेक्स्ट हेडिंग दियो खातरे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ ए कोन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेटा में एयर बदल रे अलगा किछ एयर ता भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम किंतु एयर बदल एयर छाडी दे के अलगा किछ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हबा ठीक अछि फर्स्ट सब जगह सीक्वेंस ठीक अछि ना कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डिस्टेंस डी बिटवीन द प्लेट्स ठीक अछि ठीक अछि यस सर डिस्टेंस डी हे गेला ना एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट ए ठीक अछि यस सर ईच द प्लेट एरिया ए ठीक अछि लेट एक्स प्लेट एक्स फर्स्ट डा होछ प्लेट एक्स सेकंड होछ प्लेट कोन वाई वाई एक्स एटा वाई एटा प्लस स्मॉल क्यू चार्ज देला एटा माइनस क्यू चार्ज देला ठीक अछि यस सर यस सर ओके एक्स टा को देला प्लस क्यू चार्ज एंड वाई टा को देला कोन माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज हला हला स्टेप 1 पाखा पके बढ़ जीवा सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ता माने कोन सिग्मा ऑफ प्लेट एक्स विल बी प्लस सिग्मा काहे कि प्लस चार्ज लागि छि एंड प्लेट वाई पे हबो माइनस सिग्मा काहे माइनस सिग्मा माइनस लागि छि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए और क्यू इज इक्वल टू कोन सिग्मा इक्वेशन नंबर 1 खाता समस्त रे लिखा हला यस सर यस सर हला ठीक छि एबे देखो मते डायग्राम रो देखिए को केति माने टोटल डिस्टेंस अछि डी यस सर गोटे कन्फ्यूजन माइंड रे आसी पारे मु एबुडो क्लियर करे दउ छी तमे एटा कोन देखिलो डी अछि एपोट एरिया डा केते डी माइनस टी लेंथ डा यस भाबो एटा त धरियो किछ बाट नै ओके भाबो एटा सेंटर रे एमिद अछि ओके एमिद रख दउ छी हेलो आउ एठे प्लेट अछि बुझि पारलो मधर थिकनेस रह गला टी मधरे बोलने को भी जगह त हम रखि परे मोर आइडिया त हम कह रहू छी एठे रखले जहा एठे रखले तहा एपड प्लेट को रखे लगे रखले बे तहा तते त आइडिया सर सर जोपड रखे डेरिवेशन कर लो ठीक है कोनो देखनो कथा सेडा कन्फ्यूजन असे पिला ना माइंड रे सेडा का दूर करे ट्राई कर छी तो देखे एबे दीटा प्लेट भीतर गैप केते अछि डी 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 डाइइलेक्ट्रिक रो थिकनेस केते टी टी एयर गैप ता केते डी माइनस टी एटा रखले एयर गैप ता केते डी माइनस टी डी माइनस टी डी माइनस टी एटा केते ना तते में केबे हला माइंड रे फिक्स करियो नी जे डाइइलेक्ट्रिक डा दीटा प्लेट मझरे रहइबो कि ए प्लेट को लागि रहइबो ए प्लेट को लागि डाइइलेक्ट्रिक रे ए डी के डी गैप भितरे जोठे भी रहइबो कोठे भी रहइ परियो यस सर जेबा नेक्स्ट को एबे सेकंड स्टेप कोन थिला सेकंड स्टेप कोन थिला फाइंड फाइंड ई हेलो हेले एठे ई बाहर करिया पई टिके कॉम्प्लिकेटेड काहे कि देखो एयर मीडियम पई होची ई 0 हां तो यस सर ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अछि डाइइलेक्ट्रिक अच्छा मो पछर लुची गला एटा ई 0 टा देखा होची अथे हेले भी लिख दउ छी ह
अच्छा देखो एयर मीडियम रे केते हले रे E0 एटा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अछि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रे केते देखौ छै हमें ईपी देखौ छै किंतु रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड केते हे जो E0 / K फर्स्ट सेकंड चैप्टर रे पाठो देखो कोन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर / K ना यस सर सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर / K ना यस यस इलेक्ट्रिक फील्ड एयर रे केते हला E0 मीडियम रे केते हबो E0 / K ठीक अछि ताको हम पढिते रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वैलिड मना नै किंतु ता वैल्यूटा केते आसीबो E0 / K ना K यस सर यस सर एबे देखो पाठो लेट ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते है K K K दार थिकनेस केते है टी आ टी डा कोन होबार अछि टी डा कोन होबार अछि ए डी रु छोटो हितर अछि ना बड हितले भीतर पसियो ने ना बी प्लेस्ड ना बुझ पालो ने एटा ए गैप भीतर काई पस परियो बिकॉज़ आर विड्थ रा छोटो भीतर कम अछि विड्थ अधिक तेल होबो यस सर टी लेस देन डी आइदर टी लेस देन डी होबो नले मैक्सिमम केस टी इज इक्वल टू डी एगा होबो हन ने टी ग्रेटर देन डी केबो होबो कि छोटो नो सर ओके हेले बी प्लेस्ड इन द एयर मीडियम और एयर गैप बिटवीन द प्लेट्स एयर गैप जो थिला से भीतर हम डाइइलेक्ट्रिक रो थिकनेस केते रखले टी रे रखले ठीक अछि यस सर यस सर ठीक अछि तो यस एते ठीक अछि ओके सो द रिड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड केते हबो ई डाई डाई बोले डाइइलेक्ट्रिक भीतर ई डाई इज इक्वल टू केते हला E0 / K समस्त बुझि परले एति के पर्यंत यस सर यस सर इक्वेशन 2 स्टेप 2 सरला हला यस सर हला एबे एयर गैप दीडा पार्ट असला रे गोटो छ एयर गैप आउट होछ कोनो डाइइलेक्ट्रिक असे हला अच्छा एयर गैप रे फील्ड केते है E0 E0 डाइइलेक्ट्रिक रे केते है E0 / K ठीक अछ ना आउ एयर गैप टा केते है डी माइनस टी यस सर डाइइलेक्ट्रिक थिकनेस टा केते है टी टी हला v इज इक्वल टू फार्मूला कोन ed 1/4 पाई नहीं v इज इक्वल टू ed यस सर हले एई जो ed डा दीटा जिंस पई कैलकुलेट होबो गोटे होची का पई एयर गैप पई डाइइलेक्ट्रिक मु आ बदल रे कोन लिखिबी देखो आ बदल रखिबी ई एयर into d air plus e dye into d dye d dye ठीक अच्छे हो लगा था बुझ पर ले yes sir yes the value of electric field in the air gap कहता है ला E0 आउ dielectric medium कहता है ला E0 / K ना ठीक अच्छे yes sir सो द पोटेंशियल डिफरेंस स्टेप 3 हम स्टेप 3 को जेबे ना स्टेप 3 डा कोन पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग फार्मूला ईडी सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज v इज इक्वल टू v एयर प्लस v डाई ठीक अछि आगो खाली एयर थिला कर दउथिले एबे दीटा पार्ट अछि दीटा पार्ट को ऐड करिया ना पोटेंशियल दीटा जगह यस सर यस यस सर એટલે v एयर इज इक्वल टू e एयर इनटू d एयर पड़ी गला आउ एटे v डाई डा e डाई इनटू d डाई पड़ी गला e डाई ठीक है सर ठीक है समझ रहे हो हेलो e एयर बदल रे पड़ला E0 ठीक अछि यस सर d एयर d माइनस t पड़ी गला ठीक अछि यस सर e डाइइलेक्ट्रिक डा e पड़ीला एठी के पड़ीला E0 / K ठीक अछि यस सर ठीक अछि तो d डाइइलेक्ट्रिक थिकनेस t थिला t पड़ला ठीक अछि यस सर यस सर e0 को e0 रहला d - t को d - t रहला e बदल रे e0 / K पड़ला t को t रहला ठीक अछि
ए सब थे कौन कमन नहीं पारा इ जीरो कमन नहीं पारा एतिक आसला इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 आसला ठीक अछि यस सर इ जीरो बदल रे सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 पड़ी परिवो यस सर सिग्मा बदल रे क्यू बाय ए पड़ी परिवो बाय ए सर इक्वेशन 4 हे गला सर एडा नो करथिले हे नथंदा के हे तंदा एडा नो करथिले एडा नो करथिले भे तंदा अब स्टेप 4 कोन करथंदा त मते कहलो एटा को लिखियो फार्मूलाइजिंग सी इक्वल टू क्यू बाय वी इक्वल टू क्यू बाय वी ठीक अछि क्यू जगह रे कोन पकेबा सिग्मा ए सिग्मा ए समस्त पुंड वी जगह रे कोन पकेबा ई 0 इनटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के प्लस टी बाय के ना यस सर ठीक अछि यस सर ठीक अछि अच्छा एबे मु कोन करबी एबे मु कोन करबी को सिग्मा को सिग्मा रहला ए को ए रहला ई 0 बदल रे मु कोन पकेबी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 ऊपर चढ़ जीवो यस सर डी माइनस टी प्लस टी बाय के ठीक अछि यस सर एटा कोन कटला सिग्मा को सिग्मा कटला सिग्मा कटला सो सी इज इक्वल टू आंसर कोन आसिला एप्सिलॉन 0 ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के दिस इज योर फर्स्ट आंसर गोटे फॉर्मेट बुझी परले कथाटा यस सर सेकंड फॉर्मेट कोन पदि फर्स्ट फॉर्मेट एटा सेकंड फॉर्मेट कोन सी इज इक्वल टू तमे मते डिनोमिनेट तलटा रे डिवाइड जोड कराय छी सेठे मते तमे डी कॉमन नै कि को एप्सिलॉन 0 ए बाय एटा डी कॉमन नैले कोन रहबो 1 माइनस टी 1 टी बाय डी प्लस टी बाय डी के ठीक अछि यस सर यस सर अच्छा तमे मते कहिला देखि कि एति के पार्ट ता कोन देखा जाउ छी सर सर फास्ट डर सी फास्ट डर सी डा त माने कोन थिला एयर मीडियम एयर मीडियम सेटा मु सी 0 बोली नै जेबी एयर मीडियम जदी पूरा थांदा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय ए बाय प्लस टी डी डी के ठीक अछि जे सर सेकंड फॉर्मेट हे गला बुझि परले समस्त किमे दसिला एटा यस सर एटा फर्स्ट फॉर्मेट एटा सेकंड फॉर्मेट सर थर्ड हेले कोन अछि कि त थर्ड हेले कोन अछि कि थर्ड रे बेसी डिफरेंस किछ नै कोटे यूज होन बट टिके छोटे एटे अछि आ देखो सी इज इक्वल टू से सी 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एटा कोन कॉमन नै हे परबो टी बाय डी कॉमन नै हे परबो एटा हबो 1 प्लस 1 बाय के खाले आ टिके इमेज लेखिया कथा आ किछ नै ठीक अछि यस सर ये चारि डी जगह स्टेप रे काम डेरिवेशन सरला ना यस सर यस सर हला आगो को स्लाइड तो प्रिपेयर करनी सेते पे तुम होमवर्क देबे बोली भाबुतली बट तुम स्पीड रे बुझी परलो सेते पे काम हे गला ठीक अछि समस्त रो यस सर यस सर यस सर समस्त बुझी परले यस सर यस सर सो चारि डी स्टेप फॉलो करले हम ए डेरिवेशन डीडी जा डेरिवेशन रे कोन स्टेप 1 फाइंड आउट क्यू स्टेप 1 फाइंड क्यू फाइंड आउट डी फाइंड आउट ई स्टेप 3 फाइंड डी अरे वो ठीक है क्यू ई वी सी हला यस ए वी सी यस क्यू ए वी सी एतिक म क्यू सिग्मा बाय ए सर सिग्मा इनटू ए हला सिग्मा इनटू ई वाले सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 हला भी वाली कहले ईडी ईडी सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी क्यू बाय वी एटा सिंपल स्टेप चारटा सिंपल फार्मूला इजीली सॉल्व हो खाली लेखा जगह मझरे रखिया रछ ठीक अछि यस सर तो आज एतिक पर्यंत टिके पढ़ देबो यस सर पूरा स्टार्टिंग कैपेसिटेंस रो आज रो होमवर्क अछि काल देखो काली अधिक टिके 1.5 घंटा क्लास हेतले आज भी 2 घंटा हेला सो यस सर बहुत दिन सो रह गेला पढिया पे सो आजरो होमवर्क आउ किछ नै
capacitance starting रु कोटु conductor insulator difference conductor property रु नहीं गिरी 14 number point पढ़ दो तमर material रे इड इड 14 number point ना material रे yes sir starting पढ़ दो ना पूरा line by line टिकने करी पढ़ी ठीक अच्छे so that बे पढ़ जो ना जहाँ बुझी चो सेटा mind रे fix सही करेगा मैं आज तमो long question लिखिवा homework किच दो नहीं only first रु नहीं के बे पढ़ जो ना पढ़ी हो जोटे derivation जगह अच्छी theory टा ना लिखी derivation part टा कर देगी हेलो Yes, sir. Thank you so much. Thank you, sir.